नमस्कार प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों की। दिल्ली में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई। इस बैठक में पीएम मोदी भी मौजूद रहे। बीजेपी की मुख्यमंत्री परिषद की इस बैठक में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी समेत अन्य नेता भी शामिल हुए। बीजेपी की ओर से कहा गया कि पीएम मोदी ने गति शक्ति, हर घर जल और अन्य जैसी प्रमुख सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन और संतृप्ति स्तर कवरेज सुनिश्चित कराने की दिशा में आगे बढ़ने पर जोर दिया है। सूत्रों के अनुसार 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भी बैठक में चर्चा की गई। इसके अलावा पीएम मोदी ने देश भर में आगामी स्वतंत्रता दिवस समारोह पर भी चर्चा की और सरकार के हर घर तिरंगा अभियान पर बातचीत की। काफी अहम मानी जा रही है पीएम मोदी की यह बैठक। इसमें सभी सीएम को बुलाया गया है, राज्यपालों को भी बुलाया गया है, सभी बीजेपी शासित बड़े नेता इस बैठक में शामिल हुए जिनके साथ चर्चा करी गई। माना जा रहा है आगामी त्योहार और स्वतंत्रता दिवस को देकर भी इसमें चर्चा की गई। और इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता नितिन कुमार जुड़ चुके हैं। नितिन, जिस तरह से पीएम ने ये बैठक करी है, कैसे माना जा रहा है कि आगामी जो चुनाव है उसको देखते हुए ये अहम भी है, क्योंकि सभी सीएम, बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और उपराज्यपाल, राज्यपाल सब मौजूद रहे। चुनाव 24 का आने वाला है और मैं अब केंद्र की सरकार बीजेपी ये चाहती है कि एक बार फिर से जो 24 का ये लोकसभा का चुनाव है, एक बार बड़े बड़े जो प्रदेश हैं उन प्रदेशों में जो अच्छी खासी सीटें पिछले बार जीत करके आए थे बीजेपी वाले, उसे एक बार फिर से रिटेन किया जाए और फिर से जीत दर्ज की जाए। और कहीं ना कहीं अब उसी को लेकर के जो रोड मैप है वो भी बनाना शुरू किया जा चुका है। अगर इस नज़रिए से हम देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अहम बैठक बुलाई थी जिसमें बीजेपी शासित प्रदेशों के जो मुख्यमंत्री थे वो मौजूद थे और कहीं ना कहीं उनसे ये रूपरेखा पूछी गई कि आप लोग किस तरह से तैयारियां कर रहे हैं, सामंजस्य है कि नहीं जनता के बीच में, जहां जहां जो जो बूथ आप पिछले चुनाव में अपने अपने प्रदेशों में हारे हैं वहाँ पर कितनी समीक्षा की गई है जनता के बीच, कैसे आप लोग जाने की सोच रहे हैं, कौन सी वो योजनाएं, जिन योजनाओं पर काम करना बहुत ज़रूरी है। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं बहुत सारे जो अहम मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर के ये जो बैठक थी ये आयोजित की गई थी। और उसके बाद कहीं ना कहीं जो तिरंगा यात्रा कार्यक्रम है वो भी बीजेपी की तरफ से चलाया जाएगा अलग अलग प्रदेशों में, और इस कार्यक्रम को और कैसे भव्य किया जा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं आज़ादी के, अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं और अमृत महोत्सव में ही ये तिरंगा उत्सव जो है ये मनाने का जो संकल्प है ये मौजूदा सरकारों ने लिया है और कहा ये जा रहा है कि घर घर तिरंगा लगा करके ये बताने और समझाने की कोशिश की जाएगी कि ये आज़ादी के 75 वर्ष हमारे लिए कितने अहम रहे हैं, आज़ादी की लड़ाई कैसी रही है और कैसे अब जो राष्ट्र की प्रेम की भूमिका है वो हमारे लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, ये सारा सब बताने का जो प्रयास है ये कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से है और उसी को देखते हुए ये जो बैठकें थी ये बुलाई गई थी। इसके अलावा कुछ ऐसे प्रदेश हैं जहां पर ये शिकायतें भी निकल के आई हैं कि मंत्रियों से अधिकारियों का सामंजस्य नहीं है, चाहे हम उत्तर प्रदेश की बात करें, और कुछ ना कुछ कुछ मंत्रियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर के भी नाराज़गी जो है वो केंद्र में जताई थी। तो इसको लेकर के भी कहीं ना कहीं चर्चा विचार विमर्श हुआ है, लेकिन साफ तौर पर बताया यही जा रहा है कि कुल मिलाकर के 24 के लिए रणनीति और 24 के लिए रोड मैप तैयार करने का जो खाका है वो इस बैठक में खींचा गया है। जी बिल्कुल नितिन, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे संवाददाता नितिन कुमार जुड़े थे इस खबर पर। यूपी की राजनीति में इन दिनों बड़ा उलटफेर हुआ है। विधानसभा चुनाव में कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले सभी अब जुदा हो चुके हैं और अब शुरू हो चुका है खेल बयानबाजियों का, सियासी वार पलटवार का। जहां एक तरफ ओपी राजभर लगातार अखिलेश यादव एक के बाद एक अपने राजनीतिक तीर कमान सियासत से छोड़ रहे हैं, तो वहीं अखिलेश यादव भी ट्वीट के जरिए पलटवार करते नजर आते हैं। वहीं अखिलेश सीधे तौर पर बीजेपी पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया और बीजेपी पर विनाश और विध्वंस की राजनीति करने का आरोप मढ़ दिया है और चाचा शिवपाल और ओपी राजभर को चेतावनी दी है। जहां सम्मान मिले वहां चले जाने की सलाह भी दे डाली अखिलेश ने। इन सभी बयानबाजी के बीच ओपी राजभर का मायावती की तरफ कर देना
राजनीतिक गलियारों में भूचाल आ गया है और अटकलें लगाई जा रही हैं कि ओपी राजभर बहन जी यानी कि मायावती के साथ जा सकते हैं। शिवपाली यादव ने कहा कि हम अखिलेश यादव के फैसले का सम्मान करते हैं। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि 2024 में अखिलेश यादव किसके साथ गठजोड़ बैठाते हैं, किस तरह की राजनीति करते हैं, और जो बयानबाजियों का दौर देखने को मिल रहा है तो उसके हिसाब से अब क्या देखने को मिलता है। ओम प्रकाश राजभर कहाँ खड़ा है और अखिलेश जी कहाँ खड़े हैं? अखिलेश यादव जी के ऊपर जो आरोप लगते हैं MOI का, उससे उबर पाएंगे क्या? हम फिर कह रहा हूँ, जितने अति पिछड़े समाज के नेता समाजवादी पार्टी में हैं, अति दलित नेता, उनकी औकात नहीं कि अपने हिस्सेदारी के लिए बोल रहे हैं। जो बहुत बोल रहा होगा TV पर, वो बता दे कि एक दिन भी अपने समाज की हिस्सेदारी मांगा हो, मांग ले तो जबान काट ली जाएगी पार्टी में। 24 की तैयारियों में बीजेपी लगी हुई है, तो वहीं उत्तर प्रदेश में एक अलग ही राजनीति देखने को मिल रही है विपक्ष की। वार पलटवार करते हुए कभी अखिलेश तो कभी ओपी राजभर नजर आते हैं, तो कहीं ना कहीं यह सब माना जा रहा है कि गठबंधन अब टिका नहीं। मायावती के साथ जाने की बात भी कह चुके हैं राजभर। क्या लगता है, अखिलेश 24 का चुनाव अकेले लड़ेंगे या फिर विपक्ष एकजुट होगा? देखिए, अब विपक्ष का एकजुट होना उत्तर प्रदेश में मुझे लगता नहीं कि हो सकता है, क्योंकि अखिलेश यादव ने कांग्रेस का साथ लेकर के भी देख लिया और उन्हें कितना फायदा मिला ये सबको पता है। और उसके बाद 2022 में जिस तरह से विधानसभा चुनाव के समय पर उन्होंने छोटे छोटे दलों को अपने साथ और जीत का दावा किया था, लेकिन वो सारे दावे जो हैं वो कहीं ना कहीं बिल्कुल भी काम करते हुए नजर नहीं आए। और चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही सभी राजनीतिक दलों के बीच में जो मनमुटाव था वो दिखने लग गया था गठबंधन के। और अभी बीते दिनों ओम प्रकाश राजभर और शिवपाल सिंह यादव को लेकर के पार्टी की तरफ से जो पत्र जारी किया गया, उस पत्र में भी साफ तौर पर ये लिखा गया कि अगर आपको कहीं और ज़्यादा इज्जत मिल रही है और आप दूसरे का नाम ज़्यादा ऊंचा करने में लगे हुए हैं तो आप वहाँ जाने के लिए स्वतंत्र हैं। देखिए, इस पत्र में एक खास बात ये है जिस पर कहीं ना कहीं अभी भी जो संशय है वो बरकरार है कि ये हस्ताक्षर किसके हैं, क्योंकि शिवपाल सिंह यादव और ओम प्रकाश राजभर को लेकर के जो पत्र लिखा गया है उसमें जो हस्ताक्षर हैं और उसकी जो छाया प्रतियां हैं, क्योंकि जिसको जिसको संलग्न की गई हैं तो उसमें प्रदेश अध्यक्ष को भी संलग्न किया गया है और बाकी के नेताओं को भी संलग्न किया गया है, तो ये मान के चलिए कि प्रदेश अध्यक्ष ने इस पर साइन नहीं किया था और बाकी के नेताओं में अखिलेश यादव की अनुमति के बिना अगर इस पर किसी ने साइन किया है या अखिलेश यादव की अनुमति के साथ किसी ने साइन किया है तो वो साइन करने वाला व्यक्ति कौन है, ये भी पता लगाने की कोशिश जो है वो विपक्षी खेमे में चल रही है। ओम प्रकाश राजभर, उनके नेता और शिवपाल सिंह यादव भी ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये हस्ताक्षर किसके हैं, कौन है जिसने ये हस्ताक्षर करके इस पत्र को जारी किया है। फिलहाल ये अभी जांच का विषय है, इस पर कहीं ना कहीं अभी भी मंथन चल रहा है, लेकिन इन सबके बीच में जो राजनीतिक बयान है वो काफ़ी गर्म है। ऐसे में अगर अखिलेश यादव की बात करें तो अखिलेश यादव की तरफ से तो कोई ऐसा बयान नहीं आया है, पार्टी की तरफ से लेटर जारी किया गया, लेकिन ओम प्रकाश राजभर और शिवपाल सिंह यादव की तरफ से लगातार बयान आ रहे हैं। आज भी सुभाषपा के महासचिव अरुण राजभर ने ट्वीट करते हुए आगरा एक्सप्रेसवे पर भी सवाल उठाए हैं कि उन्होंने ये कहा है कि पूर्वांचल और बुंदेलखंड को लेकर के लगातार समाजवादी पार्टी के नेता जो हैं वो सवाल खड़े कर रहे हैं कि वहां पर रोड धस गई है, लेकिन जब आगरा एक्सप्रेसवे बना था तब वहां पे भी रोड धस गई थी, उसके लिए कोई कुछ नहीं बोल रहा है। इसके अलावा ओम प्रकाश राजभर लगातार इस बात को कह रहे हैं कि हम कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे ये कह पाना मुश्किल है। मायावती से उनकी करीबियां हैं या नहीं, क्योंकि मायावती के साथ एक समय पर ओम प्रकाश राजभर राजनीति करते थे, वो पार्टी के नेता थे, वहाँ से अलग होने के बाद उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, आज पार्टी मजबूत है, उनके 6 से 7 विधायक हैं, तो ये एक बड़ा विषय गंभीर है कि आखिर अगर ओम प्रकाश राजभर जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, क्या ये जितने भी विपक्ष के गठबंधन के नेता थे जो अलग अलग हो रहे हैं क्या वो एक साथ होंगे, या फिर ओम प्रकाश राजभर एक नई इबारत लिखेंगे राजनीति की मायावती के साथ जाकर के, ये कह पाना मुश्किल है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि इन पत्र के समाजवादी पार्टी के इन पत्रों के बाद उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो एक नए करवट की तरफ जा रही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे संवाददाता नितिन कुमार जुड़े थे। तो बयानबाजियों का दौर तो तेज है, अब देखना यह होगा कि क्या ये सिर्फ एक राजनीति है जो कि एक दूसरे के ऊपर गुस्सा निकल रहा है और बाद में सब एक ही होके बीजेपी के खिलाफ खड़े होंगे या फिर सच में अलग होंगे, ये वक्त बताएगा।
रुक करते अगली खबर की तरफ। केरल के बाद अब देश की राजधानी दिल्ली में भी मंकी पॉक्स का केस मिल गया है। दिल्ली में मिले मरीज की कोई इंटरनेशनल ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं है। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स को इंटरनेशनल हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया है। मंकी पॉक्स ने 74 देशों में लगभग 17,000 लोगों को प्रभावित किया है। WHO के प्रमुख डॉक्टर ट्रेडोस एडनॉम ग्रेबिसिस ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, मिस मंकी पॉक्स संक्रमण को वैश्विक स्वास्थ्य आपात स्थिति घोषित कर रहा हूं। तो जिस तरह से मांग करी जा रही थी, क्योंकि अफ्रीका में ये बहुत तेजी से फैला और अब बाकी देशों तक भी इसने अपनी पहुंच बना ली है, जिसके बाद आज WHO प्रमुख ने इसे वैश्विक स्वास्थ्य आपात स्थिति घोषित कर दिया है। तो मंकी पॉक्स के लक्षण स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, किस तरह से बड़े बड़े छाले निकल जाते हैं शरीर पे, और ये ऐसा भी माना जा रहा है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। जिस तरह से कोरोना काल हमने देखा, कोरोना का प्रसार देखा, और माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये भी फैलता है लोगों में, और ये आज से नहीं है अफ्रीका में, ये बहुत पहले से बीमारी मौजूद है, लेकिन अब ये पूरी दुनिया में अपनी पहुंच बना रही है। इस खबर पे हमारे संवाददाता गौरव श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। इस खबर पे गौरव, एक और नया केस अब सामने आ गया है भारत में। अब ये जो दिल्ली से मामला सामने आया, इसकी कोई इंटरनेशनल ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं है, तो क्या ऐसा माना जा रहा है कि ये अब फैलता भी है, क्योंकि पहले भी ये फैलता था लेकिन अफ्रीका से बाहर इतना नहीं आया, लेकिन अब ये अलग अलग देशों में भी अपनी पहुंच बना रहा है। देखिए शिखा, मैं आपको बता दूं, मंकी पॉक्स कोई नई बीमारी नहीं है। अगर इस बीमारी की शुरुआत की हम बात करें, सबसे पहले इसका जो केस आया था 1958 में आया था, और 1958 में केस आया था तब ये बीमारी केवल और केवल बंदरों में फैली थी, इसलिए इस बीमारी का नाम मंकी पॉक्स कहा गया था। उसके बाद इस बीमारी लगातार 1970 में भी आई, 1970 में भी एक 9 साल के बच्चे में बीमारी फैली हुई थी, हालांकि उसकी मृत्यु नहीं हुई थी, उसका इलाज हो गया था, वो ठीक हो गया था। उसके बाद ये बीमारी 2003 में अमेरिका में फैली, कुछ लोगों में फैली, ज़्यादा इसका प्रचार प्रसार नहीं हो पाया। इसके अलावा फिर ये बीमारी 2018 में फैली, उसके 19 फैली, और अब ये बीमारी फिर अपना असर दिखा रही है, और विश्वभर के लगभग लगभग 70 देशों में बीमारी फैल चुकी है। तो कहीं ना कहीं ये संक्रमण फैलता नजर आ रहा है। हालांकि राहत की सांस लेने वाली बात यहाँ पर ये है कि अब तक जितनी भी ये बीमारी फैली है, लगभग लगभग 17,000 इसके मामले आ चुके हैं विश्वभर में, 70 देशों में फैल चुकी है, पर जो मृत्यु का अगर आंकड़े की बात करें तो केवल और केवल 5 लोगों की इसमें मृत्यु हुई है। तो यहाँ पर अभी जो डेथ रेट है बहुत कम है। साथ ही अगर भारत की बात करें तो भारत में जो अभी फिलहाल जो केस दिल्ली में मिला है, कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, पर दिल्ली की बात ये भी है किस माध्यम से मिला है, क्योंकि कहा जा रहा है कि ये जो बीमारी है ये इंसान से इंसान फैलती है, पर इस बीमारी का जो संचार है वो पहले बंदर रहा है, और बंदर के माध्यम से फैली है। उसके बाद केरल में जो गया था, जो केरल के जो मामले आए कोल्लम के और कन्नूर जिले के, उन दोनों की हिस्ट्री थी, वो दोनों सत्र अरब अमीरात से होकर आए थे। तो कहीं ना कहीं हिस्ट्री रही है, पर दिल्ली वाला मामला यहाँ पर देखने वाली बात है किस तरह का संक्रमण है और किस तरह फैला हुआ है। हालांकि ट्रैवल हिस्ट्री नहीं बताई जा रही, पर अभी भी यहाँ पर जाँच का विषय है कि कहाँ होकर आए और किस तरह उनको यहाँ पर बीमारी फैली है। जी गौरव, इससे बचाव के क्या उपाय बताए जा रहे हैं? इसका जिस तरह से प्रसार हो रहा है उसको देखते हुए क्या कोविड के प्रोटोकॉल ही फॉलो करने पड़ेंगे? देखिए WHO ने गाइडलाइन जारी कर दी है और ये भी कहा है दूरी बनाकर रखें, पर साथ ही साथ हमें यहाँ पर 2 गज दूरी, मास्क की बात यहाँ पर बात नहीं की गई है। ये किस तरह फैल रहा है अभी इस पर जांच चल रही है, इस पर अभी विषय आना तमाम बाकी है, पर साथ ही साथ ये भी देखने वाला है दो तरह का संक्रमण है। यहाँ पर संक्रमण की बात करें तो यहाँ पर 1 से 6 दिन का भी संक्रमण रहता है, साथ ही साथ यहाँ पर 1 से 13 दिन का संक्रमण रहता है, उसके बाद स्वतः ही ठीक हो जाता है। चिकन पॉक्स जैसे नहीं कहेंगे, पर मंकी पॉक्स की बीमारी है और यह देखा जा रहा है, इसके जो आंकड़े आ रहा है, इलाज जो चल रहा है, सामान्य इलाज चल रहा है, जो पॉक्स का इलाज चलता है, उसके चलते ये बीमारी 1 से 15 दिन के अंदर ठीक हो जा रही है। जी, मृत्यु दर इसकी कैसे बताई जा रही है? क्योंकि अभी तक जो आंकड़े सामने आए उससे बताया जा रहा है कि इसमें मृत्यु दर ना के बराबर है, लेकिन केसेस की बात करें तो अब तक कितने लोगों की मौत हो चुकी है? देखिए केसेस जरूर है, 70 देशों में लगभग 17,000 केस हो चुके हैं, पर अगर मृत्यु दर की बात करूं, मैंने आपको बताया कि 5 लोग अब तक इसकी मृत्यु हुई है, और जो भी जो पहले भी लोग मर, जो 5 लोग की मृत्यु हुई है उनको भी कई तरह की बीमारी थी, इसलिए इसकी मृत्यु दर तो डेथ रेट बहुत कम है। इससे चिंता की बात नहीं, पर जिस तरह संक्रमण लगातार फैल रहा है, क्योंकि अगर संक्रमण के इतिहास की बात करें तो 1958 में उसके बाद 1970 2003 2017 2018 तमाम तरह यानी जो साल रहे बीमारी फैली है, पर जिस तरह से अभी फैल रही है चिंता का विषय है, पर यहाँ पर जो डेथ रेट है बड़ा कम है, चलते यहाँ पर जो दिक्कतें हैं वो थोड़ी कम रहेंगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता गौरव श्रीवास्तव जुड़े थे।
के खजरी थाना क्षेत्र के मरुधर मंगल गांव में जमीनी विवाद में दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। वहीं इस दौरान एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के लोगों पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जबकि गोली लगने से तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और घटनास्थल के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए, जबकि गोली मारने में एक पुलिसकर्मी, एक सीआरपीएफ जवान समेत कई लोगों के शामिल होने की खबर सामने आ रही है, जिसके बाद से ही पुलिस हमलावरों की तलाश में जुट गई है। साथ ही एहतियात के तौर पर गाँव में फोर्स भी तैनात कर दी गई है। थाने पर से मतलब हमारे हल्के 3 नंबर सिपाही, हल्के का बाके यादव एसआई और मनोज यादव दीवान जी हैं और सूरज यादव सिपाही, ये तीनों लोग हमको हम लोगों को धमकी दे रहे थे कि मतलब मुकदमा लिख देंगे, ये लिख देंगे, वो लिख देंगे। मना करने पर हम लोग जबरन मतलब थाने पर बुलाया जा रहा था, हम लोग नहीं गए तो बोले कि मतलब उन लोगों से जाइए जो करना है, झगड़ा उगड़ा करके अपना करवाइए, हम लोग सब देख लेंगे। जा निकालने को लेकर के दो पक्षों में विवाद हो गया, जिसमें एक पक्ष के प्रमोद यादव ने फायर किया जिससे तीन लोगों को गोली लगी है। हालांकि तीनों खतरे से बाहर हैं, लेकिन इलाज के लिए उनको वरिष्ठ हायर सेंटर पर भेजा गया है। पुलिस यहां तैनात है, शांति व्यवस्था बनी हुई है, सभी अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए टीम बना करके दबिश दिलवाई जा रही है और आगे भी इनकी संपत्तियों की जाँच कराई जाएगी और नाप कराई जाएगी, जो भी गलत होगी कर रहे उसके विरुद्ध कार्रवाई। और इस खबर पे गोरखपुर से हमारे संवाददाता हिमांशु श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। हिमांशु, जो घायल हुए उनके बारे में भी जानकारी चाहेंगे और हमलावरों के बारे में भी जानकारी चाहेंगे और किस वजह से ये हमला किया गया। यहाँ पे घर को बनवाने का उसके छज्जे को निकलवाने को लेकर दो पक्षों में जो है विवाद हो गया और विवाद इतना हिंसक हो गया की घूमी धारण कर लिया, इसमें जमकर लाठी डंडे चले हैं और गोलियां भी चली हैं। आपको बता दें कि गांव में जो है छज्जा निकालने, हालांकि मकान किया उसके साथ छज्जा निकालने की बात से एक पक्ष ने उसका विरोध किया, जिससे वहां पे छुट्टी पर पहुंचे हुए सिपाही प्रमोद यादव और उनके भाई निरीक्षक ने जो की तैनात थे छुट्टी के आए थे और लोगों ने जो है विवाद इतना बढ़ गया कि गोली चला दी और जिससे जो है तीन लोग बुरी तरीके से घायल हो गए और उन्हें जिला चिकित्सा लाया गया, जहां से उनको मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। हालांकि इसमें कार्य में लापरवाही पाते हुए सब इंस्पेक्टर को जो है उसको बांके यादव को निलंबित कर दिया गया है, उनके खिलाफ जो है इंक्वायरी शुरू कर दी गई है और इस घटना में जो है मनोज यादव नाम के जो का नाम आया था उसे भी निलंबित कर दिया गया, उसके खिलाफ भी विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ गोरखपुर से संवाददाता हिमांशु श्रीवास्तव जुड़े थे। चार बजे की चार बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।